विधि क्षेत्र में जो सम्मान्य है, सम्मान्य विवेक तनखा जी, आदरणीय श्याम जी, स्वामी जी, आदरणीय स्वामी और सभी संतगण, आदरणीय कमलनाथ जी, मनोज साहब, प्रियवत जी, लखन भाई, हमारे विधायक संजय, विनय और सभी सम्मानी मंचासीन और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं कुछ दिनों से जो नर्मदा का प्रेम यहाँ देख रहा हूँ, इसकी भव्यता और इसकी विशालता देख के मुझे अंदर से अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम नर्मदा के तट पे और इस भावना के साथ जो मैं देख रहा हूँ, कभी पहले जबलपुर में नहीं देखा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन, भनोट परिवार और सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपने कमलनाथ जी को बुलाया है। ये कितने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं ये मुझे अंदाज है। जब मैं फोन लगाता हूं तो पता चलता है ये केदारनाथ में है, कभी बद्रीनाथ में है। इनको धर्म से बहुत लगाव है और एकांत में जाके अपना बहुत टाइम ध्यान में लगाते हैं। मुझे खुशी है कि एक अच्छी प्रथा समर्पण के साथ जबलपुर में शुरुआत हुई है। आग्रह तो यही रहेगा कि आगे भी इसी स्तर पे इसी प्रकार ये चलती रहे और इसके माध्यम से जबलपुर को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नया जोश आएगा और आप संतों जी, संतों की जो महिमा है और आपका जो आशीर्वाद है वो माध्यम बनेगा इन राजनेताओं के लिए जबलपुर में कुछ अच्छे काम हो, यहाँ पर व्यवसाय बढ़े, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और हर हर नर्मदे करके मैं अपने स्थान देता हूं। हर हर नर्मदे। बहुत धन्यवाद माननीय तनखा जी को।